नमस्कार साथियों साथियों, कल 30 सितंबर था। कल आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था और कल के डेट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ऑल शिफ्ट में जो है जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे शिफ्टों के सारे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जीके जीएस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सारे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, डिटेल में आज जानेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स में कितना आया, करंट अफेयर्स में कितना आया, साइंस में कितना आया, स्ट्रेटेजिक या मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शन से कितने प्रकार के कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से रिपीट नहीं हुए हैं, सारी बातें डिटेल में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, वो हमारे आपके बीच में संवाद कायम करता है। तो चलिए आज हम जो है एसएससी एमटीएस 30 सितंबर ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उनको चल के देख लेते हैं। बात करते हैं पहले अपने पड़ोसी देश से पाकिस्तान की, जो हमेशा खुरापात करता रहता है। ठीक है, वहां से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में कटास राज मंदिर स्थित है। तो पहले से ही मैंने आपको आंसर बता दिया, ये पाकिस्तान में कहाँ है, कटास राज मंदिर जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह मंदिर चकवाल के पास पोधोहर पठार पर बना हुआ है। यह मंदिर परिसर राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेहदी नखलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, बेहदी नखलम नृत्य जो है ये मेघालय का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत ने साल 2023 में एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 2023 में जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही जीत हासिल की थी। ठीक है, ये चैंपियनशिप असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी मेजबानी जो है भारतीय खो खो महासंघ ने की थी। इस चैंपियनशिप में 10 देशों ने भाग लिया था। ठीक, ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्यों की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आर मुथुकनम्मल का संबंध किससे है? तो आर मुथुकनम्मल का संबंध जो है सथिर अट्टम से है। सथिर अट्टम की कलाकार आप हैं। ठीक है, 2002 में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मेटलिंग एसिड या आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है या मेटलिंग एसिड भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है? देखिए, अनुच्छेद 74(1) जो है ना ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसका संबंध, इन बातों का संबंध किससे है, अनुच्छेद 74(1) से है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए, कल फर्स्ट का मैंने आपको कराया था जो है एनालिसिस, तो बताया था कि देखिए मौलिक कर्तव्य के ऊपर प्रश्न शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन अब हमेशा आएंगे, डेली आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 51A से है, भाग 4A में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में इसको लागू किया गया था। शुरू में 10 थे, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इस तरह से कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको क्रमवाई रट लेना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गणेश रथ मंदिर कहाँ स्थित है? गणेश रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ भैया, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के महाबलीपुरम में है। मतलब गणेश रथ मंदिर जो है तमिलनाडु का जो कांचीपुरम जिला है वहाँ के मलीपुरम में स्थित है। यह मंदिर पल्लव वंश के स्मारकों समूह का एक हिस्सा है। यह एक अखंड मंदिर है। अखंड मंदिर का मतलब इसे एक ही चट्टान के टुकड़े से बनाया गया है।
ठीक है। और यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, गणेश रथ मंदिर, मतलब ये भगवान गणेश को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में दीवान किसे कहा जाता था। ठीक है, तो मुगल काल में दीवान को वित्त और राजस्व मंत्री कहा जाता था, मतलब वो मंत्री जो वित्त मतलब आर्थिक जो मामले थे, आर्थिक मामलों को जो देखता था, राजस्व मामलों को जो देखता था, उसे क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। दीवान मुगल और मुगल पश्चात भारत के इतिहास में कुलीन परिवारों से जुड़े थे। ठीक है, मतलब दीवान के पद में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी जो उनका संबंध कुलीन परिवारों से होता था, मतलब राजा जो हो, बड़े घराने से इनका संबंध हो, ऐसे लोग ही दीवान के पद पे आसीन होते थे। वे सरकार में उच्च पदों पर रहते थे, दीवान सूबे के राजस्व विभाग का मुखिया होता था। अब अकबर के शासन काल की अगर बात करें तो राजा टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी वित्त मंत्री कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है यूनेस्को से संबंधित था, यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट नहीं मालूम चला, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। देखिए यूनेस्को का मतलब क्या होता है, यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो अनुच्छेद 129 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ, तो दिल्ली संतलन का पतन हुआ। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का उदय हो रहा है। बलबन एक गुलाम था लेकिन अपने दम पर, अपने आत्मबल के बल पर बहुत आगे बढ़ा जो है बलबन, आगे चल के शासक बना, जो कि गुलाम था, खरीदा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अपने आत्मबल पे, अपने जिज्ञासा के बल पे, अपने कर्मों के बल पर वो बहुत आगे बढ़ा। ठीक है, तो बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ, दिल्ली संतलन का पतन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईडी का वर्तमान निदेशक किसे बनाया गया है, ईडी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं राहुल नवीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मौत हो गई थी, तो राइट आंसर इसका है जतिन दास। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था, तो जेल में ही उन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, क्रांतिकारियों के लिए, जहां पर 63 दिन बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटकाई बम पहाड़ियां, पटकाई बम पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, फिलहाल हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए जो पटकाई बम पहाड़ियां है ना, ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पहाड़ों की एक श्रृंखला है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपको जानने की जो है, यह पहाड़ी जो है भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसके बारे में कुछ खास बातें और बता देता हूँ आपको, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्वोत्तर में स्थित है, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से होके गुजरती हैं ये पहाड़ियां। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट जो है संस्कृत के महान कवि गद्य लेखक थे, उन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, इसका नाम हर्ष चरित था। ठीक है, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूँ ना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताता हूँ, जो है इस महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन आगे वाली शिफ्ट, आगे आने वाली जो शिफ्टें हैं उनमें निश्चित तौर पे बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार जो भी आ गया है एग्जाम में, उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट आपको मिल जाते हैं उसको समेट लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। तो हर्षचरित पूछा जा सकता है आपसे कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो ये बाण भट्ट की रचना है और राजा हर्षवर्धन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है, अब बात करें बाण भट्ट की, उनकी अगली जो रचना है, एक नाटक उन्होंने लिखा है, इसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी को दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अब बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छऊ लोक नृत्य, छऊ लोक नृत्य पर क्वेश्चन था। ठीक है, छऊ लोक नृत्य की अगर बात करें तो छऊ नृत्य को छऊ नाच भी कहा जाता है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला यह एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि
निम्न में से अर्थशास्त्री नृत्य कौन सा है? छऊ दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, तो छऊ पे टिक करना रहेगा। तो छऊ क्या है? एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो टोटल आठ है ना, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अर्धशास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो छऊ क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और क्या है ये? एक मार्शल नृत्य है, मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है। ये तीन शैलियों में पाया जाता है, जो कि उसके स्थान मतलब जहाँ जिस स्थान पे किया जाता है उस स्थान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में इसको जो है पुरुलिया छऊ कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्या कहता है? पुरुलिया छऊ कहा जाता है। झारखंड में सरायकेला छऊ कहते हैं और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ कहा जाता है, ठीक है। तो ये छऊ के बारे में डिटेल जानकारी हो गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है, ये पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के मुताबिक जब विधानसभा में अध्यक्ष या उप सभापति को हटाने का प्रस्ताव आ गया हो तब वह पीठाधीश पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष या उप सभापति होते हैं, अगर उनको हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने चेयर पे बैठेंगे नहीं। कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन चेयर पे नहीं बैठेंगे, मतलब पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। यही अनुच्छेद 181 कहता है। अगला प्रश्न आरण्य से संबंधित था कि आरण्य कहाँ पैदा होता है। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं आरण्य के फुल फॉर्म की। आरण्य का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका निर्माण कोशिका के नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में तैयार हुआ था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। इस समिति में मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, ठीक है। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की गई और 28 से 21 अगस्त के बीच पारित हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कई संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट का मकसद है भारत में एक साल के अंदर स्वशासन लागू करना था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इस रिपोर्ट में विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रस्ताव था, ठीक है। इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडल का भी प्रस्ताव था, लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद जो है ब्रिटिशर्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग दीपक जो कि एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय संगीत है किससे जुड़ा है। देखिए, राग दीपक का संबंध जो है रात्रि और अंतरंगता से है। अंतरंगता मतलब कहने का मतलब ये है कि राग दीपक रात से जुड़ा है और इसका मकसद प्रेमियों के बीच अंतरंगता जगाना है। संगीत शास्त्र की जानकारियों के अनुसार दीपक राग भगवान शिव के मुख से निकला है और इसमें शिव जैसा तेज है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए अगले शिफ्टों में कि राग दीपक का संबंध किस देवता से है, तो भगवान शिव से है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का संविधान है। तो भारत में जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है कि एक ही चीज कठोर और लचीली कैसे हो सकती है। देखिए, बताता हूँ मैं इसको, बता इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है क्योंकि इसमें संशोधन करने का तरीका न तो बहुत कठिन है न तो बहुत आसान है, इसलिए इसको कठोर और लचीला कहा जाता है। यह भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ओलंपिक में प्रथम पदक किस खेल में मिला था। तो कुश्ती इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पदक मिला था तो कांस्य पदक, ध्यान रखिएगा। किसने पाया था? केडी जाधव ने पाया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की जनगणना में 7 वर्ष के बच्चों को साक्षर माना गया। तो 1991 में जो गणना हुई थी, ठीक है, मतलब भारत की जनगणना 1991 में साक्षरता की अवधारणा में बदलाव किया गया और 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। इससे पहले 1981 की जनगणना में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना जाता था, लेकिन 1991 की जो जनगणना हुई है ना उसमें 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन लगे हाथ आपको और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पूछा जाता है कि साक्षर किसे कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा हो, जो लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, उसे साक्षर कहा जाता है।
ठीक है, ये साक्षर की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है? अनुच्छेद 74(1) के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। अगला प्रश्न है कि पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं जो है कैसी होती हैं? टिकाऊ होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित है? तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो है गरीबी का आकलन किया था। अगला प्रश्न है कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कनक रेले का संबंध किसने से है? कनक रेले का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। कनक रेले हमारे बीच में अब नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में और जानना है कि ये नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक और निदेशक थी। ठीक है, इसके अलावा मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य भी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंजाब विधानसभा को कब भंग किया गया था? विधानसभा नहीं भैया, विधान परिषद। ठीक है, 1970 में। अच्छा, यहाँ एक चीज कमेंट करके आप बताइएगा कि अभी कितने राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम है आपको तो गूगल में सर्च करके बताइए आप जो है कि कितने राज्यों में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। ठीक है, देखिए 1966 में पंजाब को 3 भागों में विभाजित करके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का गठन किया गया। ठीक है, विधान परिषद की जो सीटें थी घटा करके 40 कर दी गई और विधानसभा की सीटें 50 बढ़ा करके 104 कर दी गई। 1 जनवरी 1970 को विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और राज्य में एक सदनी विधान मंडल रह गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ध्यान रखिएगा वो है लक्षद्वीप। कितना है? 91.8% है। ठीक है, वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 68.7% है और दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 86.2% है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 91 में है। ठीक है, इसके बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में पूरा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आईपीएल 2024 में महिला विजेता टीम की कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से है। इनकी टीम ने, इनकी कप्तानी में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला प्रीमियर लीग खिताब जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था ना, कहाँ हुआ था? एमस्टरडम में जो खेल हुआ था ओलंपिक, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 5 मैचों में टोटल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदौर घराना की स्थापना किसने की? इंदौर घराना की स्थापना भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन घरानों में से एक है। इसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। अगला प्रश्न है कि हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? तो हल्दी का रंग जो पीला होता है ना, वो करक्यूमीन के कारण होता है। करक्यूमीन क्या है? एक चमकीला पीला रंग द्रव्य है। यह करक्यूमा लोंगा प्रजाति के पौधों द्वारा बनाया जाता है। हल्दी जो है अदरक परिवार का एक सदस्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्रा का संबंध जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, केलुचरण महापात्र जो है एक प्रसिद्ध नर्तक, गुरु और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का इनको श्रेय दिया जाता है। केलुचरण महापात्र ओडिशा के ऐसे पहले कलाकार हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बनता है 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और ये पूछा जाता है कि ओडिसी का कौन सा वो कलाकार है जिसको सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था, तो है केलुचरण महापात्र। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर मेरे भाई, जान लीजिए। इनका पेपर अगले शिफ्टों में आने वाले शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है, इन बातों को ध्यान में रखिए, इनको हवा में मत लीजिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या धननंद को हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच को जो सीमांकन रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सर रेड क्लिफ ने इस रेखा को डिजाइन किया था, इसलिए उनके नाम पे रेड क्लिफ कहा जाता है। ये 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे संविधान मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है, साल 1976 में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। इसे लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A का 21A का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 21A का संबंध जो है किससे है भैया, शिक्षा से है। यह अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपसे चर्चा किया था ना, जो 86वां संशोधन हुआ था ना 2002 में, उसके द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। यह साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दक्कन में तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद हुई थी। हरियर और बुक्का राय ने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। ये जितने फैक्ट बता रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शासनी से है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है किससे है, कथक से है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इनका घराना पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध लखनऊ के कालिका बिंदादिन घराने से है। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, इनका पूरा नाम है पंडित बृजमोहन मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली किसकी देन है। ठीक है, भारत की बात हो रही है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कहाँ किया था, बंगाल में किया था। ठीक है, यह प्रणाली 1765 से 1772 तक चली थी। ठीक है, इस दौरान बंगाल का प्रशासन दीवानी और निजामत में बटा हुआ था। दीवानी का काम कंपनी करती थी और निजामत का काम निजाम करता था। दीवानी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, दीवानी का मतलब मैं ऊपर मैंने आपको बताया था भी कि अकबर के शासन काल में दीवान किसे कहते थे, बताया था, डिटेल में बताया था आपको ना दीवान के बारे में, तो समझ लीजिए वही दीवानी का काम कौन करता था, कंपनी करती थी, और निजामत काम कौन करता था, निजाम करते थे। ठीक है, हाँ, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है, और इसका निर्माण 3री शताब्दी में किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से जो है कि 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है, तो 200 रुपए के नोट पर जो है सांची का स्तूप छपा हुआ है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नोटों से क्वेश्चन अभी नहीं बना है, बनेगा जरूर। ठीक है, जितने भी नोट हैं हर नोट पे किसकी तस्वीर छपी हुई है, 500 की नोट हो, 100 की नोट हो, 10 की नोट हो, ठीक है, उन नोटों पर किसकी तस्वीर छपी हुई है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का आज एंड करते हैं। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई, इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। ठीक है, अगर कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत समझ में आ रही है आपको, कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।